वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको आवाज आ रही है मेरी? अच्छी आवाज आ रही है मेरी? ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत बेहतर। चलिए, हाँ, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि मॉलिकुलर वेट एंड मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर निकालेंगे तो दो फॉर्मूला है, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, इसे कन टू काई भी, लेकिन इसको यहाँ पर लिखेंगे एन बी बाई एन ए करके, डायलूट डायलूट के लिए यही फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला था पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए इसे कन टू एन बी बाई एन ए, दोनों से आंसर में ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर करेक्ट। अब तुम देख लोगे स्कूल वाले किस तरह पढ़ाए हैं, हमने आपको दोनों मेथड बता दिया है, दोनों एक्यूरेट मेथड है, ज्यादा अच्छा मेथड ये है। बोलो, आया सबको समझ में? यहाँ तक जल्दी बोलो, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ तो बोलिए। हाँ, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे आदमी है आप लोग, बहुत अच्छे आदमी है आप। सुने, अब आइए रॉस लॉ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आइए टॉपिक डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी फ्रॉम, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, फ्रॉम वेपर प्रेशर, मतलब राउल्स लॉ की मदद से वेपर प्रेशर मेजरमेंट, ये टॉपिक है। हम मोलैलिटी वेपर प्रेशर की मदद, आपको वेपर प्रेशर दे देगा, कहेगा मोलैलिटी निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन को भी करने का दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन जैसा रहेगा उस तरह का फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे, क्लियर है? आप देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से प्लीज। तो बताइए, हम लोग क्या निकालने हैं? वेपर प्रेशर की मदद से मोलैलिटी, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देगा इस पर। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, गौर से सुनो अच्छे से, ये सिर्फ कंडीशन में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा ये, आप सुनो अच्छे से। अगर न्यूमेरिकल में इफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अगर न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल कराने से ज्यादा समझ में आएगा, हम पहले फंडा सिखा रहे हैं, इफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज गिवन, न्यूमेरिकल में रिलेटिव लोअरिंग लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो देखो तुमको मालूम है पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट को क्या लिखते हैं, पाई बी, और पाई बी को क्या लिखते हैं, एन बी बाई एन ए, फॉर डायलूट सोल्यूशन के लिए यही तो लिखते हैं। जल्दी बताओ, यहाँ तक सही लिखा मैंने? जल्दी बोलो, यस यस करके बोलो, वाह वाह करके बोलो, यहाँ तक सही है सबका? बहुत बेहतर। अब सुनो, दो मिनट सुनो, याद रख, अब सुनो इधर अच्छे से, एन बी बाई एन ए को क्या लिखते हैं केमिस्ट्री में, सुनो अच्छे से, मैं प्रूफ कर चुका हूं, मैं दोबारा प्रूफ कर रहा हूं, एन बी को रहने दो, एन ए को लिख सकते हो गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास मोलर मास ऊपर चला गया, ध्यान देना प्लीज सारे लोग, तो एन बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए बाई 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये जो मैंने सर्किल में लिखा है इसको मोलैलिटी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर के जी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो एम इंटू एम ए बाई 1000, तो बस। तो क्या आ गया आंसर, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, एन बी बाई ए को क्या लिख सकते हो,
एन इंटू एन ए बाई 1000 दिस इज द आंसर। यहाँ से मोलालिटी निकल जाएगी। बताओ सारे लोग आया समझ में? व्हाट इज द एम ए? एम ए इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी बताओ ये समझ में आया कि नहीं? सब लोग बताओ जल्दी। वेपर प्रेशर की मदद से, वेपर प्रेशर की मदद से हम मोलालिटी कैसे निकालेंगे? तो अगर न्यूमेरिकल में रिलेटिव लोअरिंग दिया हुआ है, हाँ दोबारा बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दफा सारे लोग लिख लो, दोबारा बता देते हैं। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले ये लेकिन उस पर ये लाइन ध्यान देना, अगर न्यूमेरिकल में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। पहले लिख लो, सब लोग लिख लिए, मैं दोबारा रिपीट करके समझा दूंगा, जल्दी फटाफट बोलो लिख लिए। अरे कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, बोल बोल बोल, कुछ तो बोल। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। देखो पहले तो ये समझो भाई लोग, जिन्होंने कहा रिपीट करने के लिए, एन बी बाई एन ए को समझो। एन बी बाई एन ए को क्या लिखते हैं? एन बी नंबर ऑफ होल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको ऐसे ही रहने दो। जबकि ये मैं एक दफा पढ़ा चुका हूँ ट्वेल्थ में ही, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखोगे? गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास ऊपर चला गया। अब मैंने क्या किया, एन बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए बाई 1000। तो कोई पूछे 1000 से डिवाइड करके कोई फर्क, इसी को तो मोलालिटी कहते हैं। तो एन बी बाई एन ए केमिस्ट्री में जब भी आए तो तुम इसको एन इंटू एम ए, इस पूरे को मोलालिटी बाई 1000 लिख सकते हो। जिन्होंने रिपीट करने को कहा था पहले बोलो ये वाला आया सबको, एन बी बाई एन ए को क्या लिख सकते हैं, आया कि नहीं? अरे जिन्होंने रिपीट करने को कहा था बोलना रे शान। अरे शान बड़े अच्छा, शान शान वही शान है ना जो है आपका दोस्त बिहारी, बिहारी है ये, बिहारी है ये। अब मेरे साथ गौर से सुनो, दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर गिवन, सुनो अच्छे से, एक है न्यूमेरिकल में द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज वन, फाइंड द मोलालिटी। तो वो अगर आप रिलेटिव लोअरिंग का वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देखो इसको कैसे करोगे, पी ए नॉट माइनस पी एस, कल पढ़े थे पी एस बाई एन बी बाई एन ए पढ़े थे कि नहीं, बोलो जब ये वाला पढ़े थे ना कल, हाँ। तो इसी को ये भी लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एम इंटू एम ए बाई 1000। तो न्यूमेरिकल जिस तरह का रहेगा उस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल बी बाई एन ए को इस तरह लिख सकते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है, मोलालिटी कहे तो ये फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग कह दे तो आपको पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एम ए बाई 1000। और समझ लो, अब मैं न्यूमेरिकल करा के तुम्हें कंफ्यूजन दूर कराता हूं, जल्दी बोलो यहां तक लिख लो। तो मोलालिटी निकालने के लिए दो फॉर्मूला याद रखो हमेशा, लिख लिए, कंफ्यूजन दूर होगा क्वेश्चन से। अब मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं तुम्हें, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। तो मोलालिटी निकालने के लिए दो कंसेप्ट हुआ, रिलेटिव लोअरिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ये करेंगे, नहीं लिखा हुआ फिर वेपर प्रेशर दिया हुआ तो ये करेंगे। बोल बिहारी लोग आगे बढ़े,
हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सारे लोग करके दिखाओ प्लीज। लिखो द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 750 मिलीमीटर ऑफ एचडी एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो बना के दिखाओ। सारे लोग बना के दिखाओ। ए ऑप्शन 0.71, बी ऑप्शन 0.81, बी ऑप्शन 0.74, सी ऑप्शन डी ऑप्शन 0.95। जल्दी करके देखाओ सारे लोग। चलो यहाँ देखो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखो, अब प्लीज 2 मिनट रुक जाओ सारे लोग। जिनको फॉर्मूला में डाउट है सुनो, क्या कहीं पर रिलेटिव लोअरिंग लिखा हुआ है? नहीं। हमें क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की दिया हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग कहीं पर नहीं है। तो इसलिए पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी एस एम इंटू एम ए बाई 1000 का इस्तेमाल करेंगे। पी ए नॉट 760 है, ये मैं जान बुझ कर नहीं पढ़ाऊंगा। 100 डिग्री पर 1 ATM होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ योर 760। इज इक्वल टू एम इंटू 18 बाई 1000। तो आपके पास 10/750 इज इक्वल टू एम इंटू 18/1000। तो एम इज इक्वल टू 1000 × 10, 18 × 75, मतलब इसको 55 लिख सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो? आपको आंसर कितना आ जाएगा? 10 × 1000 / 75 / क्या पूछ रहा भाई? तो आंसर इसका कितना आएगा? शायद आपको आ जाएगा, सारे लोग कैलकुलेट करो भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है? देखो तो एक दफा,
कैलकुलेशन में देखो, कैलकुलेशन में। अच्छा ये यहाँ पर जो हो गया ना, गलत हो गया ना, ये वन हो जाएगा, सॉरी, हाँ सॉरी फॉर दैट। थाउजेंड बाई 18 × 75, हाँ ये आएगा, ये आएगा, हाँ 0.74 आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक्यूरेट बात आएगा, उससे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों बताया है। जब रिलेटिव लर्निंग का नाम ना, तो उससे भी करो, उससे भी करो, बतना बराबर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों से आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा दादा बाबू, बाबू दोनों से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे भी करो। सवाल हाँ समीम आया समझ में ये वाला? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 0.013, कैलकुलेट द मोलालिटी। अब देखो इस मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब यहां रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का वर्ड दे दिया, इसमें तो ए ऑप्शन 0.72, बी ऑप्शन 0.7.2, सी ऑप्शन 0.072, डी ऑप्शन 0.82। जल्दी बताओ, सवाल हाँ समी जल्दी बताइए। अब यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग लिख दिया है, तो रिलेटिव लोअरिंग से ही करेंगे। अरे सवाल यहाँ सभी में आंसर क्यों नहीं दे रही है? यस या नो समझ में आ रहा है? यस या नो? ए अल्लाह, नायला कमर को भी आ गया, बहुत बेहतर, मोटो को भी आ गया, स्वाला सनीम को भी आ गया, आरिफ भाई को भी आ गया। और आरिफ भाई तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है ना आरिफ भाई? मेरी शक्ल आप दिखी कि नहीं तुम लोगों को? अरे मैं दिखाई दे रहा हूं, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक, चलो आप मैसेज करना बंद करो, आप सुनो अच्छे से। देखो सारे लोग से गुजारिश है, घर देखो रिले वेपर प्रेशर से मोलालिटी कैसे निकालोगे, सब कुछ समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, क्या वेपर प्रेशर से मोलालिटी कैसे निकालोगे, आया सबको समझ में? क्लियर है? चलो बेहतर है, बेहतर है। चलो अब एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं, नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखो 100 तक का शाहिद भाई, बहुत बेहतर। अब तुम लोग 5 मिनट तक कुछ भी नहीं करोगे, टॉपिक डालो रामस्लाम में, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंडेंसेट, या तुम ये लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज 5 मिनट सीरियस होके, कोई टाइप मत करो, कॉपी पर नजर, बोर्ड और कॉपी पे नजर रखना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर कंडेंसेशन, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब सारा फॉर्मूला सब जितनी भी चीज है, इसलिए तुम्हें एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं मैं, समझे कि नहीं? पहले बताओ
कंडेंसेशन का मतलब होता है जैसे ही लिक्विड से वेपर बनता है तो वो वेपराइजेशन होता है, और उस वेपर को जमा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो वो कंडेंसेशन होता है। तो गौर से सुनो, अभी कुछ भी नहीं टेक्स्ट मत करना। अब तक न्यूमेरिकल में क्या था, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुमसे क्या पूछ देगा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंडेंसेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब तक क्वेश्चन था कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम उसमें देखते थे कि बोले दोनों अगर बोले टाई है तो पीए नॉट एक्स से प्लस पीबी नॉट एक्स बी से करते थे, अगर नॉन बोले टाई है तो पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स से करते थे। अब क्वेश्चन है आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंडेंसेड कैसे निकालेंगे। सबसे गुजारिश है कि मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको समझना, तब तुम डाउट पूछना। अभी सब लोग सतर्क होके देखो, सारे लोग ध्यान देना। मान लो ये कंटेनर है और ये वेपर है, अभी कुछ भी नहीं लिखोगे, एक्स ए है और एक्स बी है, एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड के। वेपर बना, वेपर में मोल फ्रैक्शन याद है वाई ए और वाई बी लेते। अब क्या किया हमने, इस वेपर को क्या किया, कंडेंसेट कर दिया कंडेंसर लगाकर। यहां पर कंडेंसर लगा दिया, तो देखो ये तमाम वेपर जो था वो लिक्विफाइड हो गया। यहां पर मोल फ्रैक्शन को एक्स ए डैश एक्स बी डैश, फिर इसको वेपर में कर दिया, तो यहां वाई ए डबल वाई ए डैश वाई बी डैश। चलो पहले ये डायग्राम दोबारा समझो, थोड़ा नीचे लिखना है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट दोबारा समझा देते नीचे लिखकर। देखो ये था आपके पास लिक्विड, तुम लोग बनाना शुरू करो एक्स ए और एक्स बी। वेपर बना ठीक है, तुम ताकिए इस वेपर को कंडेंस कर दिए। अब ये लिक्विड आ गया, पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहां जो मोल फ्रैक्शन था वाई ए और वाई बी, यहां जो आया एक्स ए डैश एक्स बी डैश, तो इसी का वेपर प्रेशर, यही जो आया, ये जो सॉल्यूशन है आफ्टर कंडेंसेशन होके आया। बोलो आया कि नहीं, पहले डायग्राम से रखते थे, पहले बना लो सारे लोग, फिर समझाता हूं, जल्दी बताओ यहां तक लिख लिए। जल्दी लिखो जल्दी, सारे लोग लिखो सारे लोग प्लीज। ये वेपर है ये लिक्विड है, अगेन ये लिक्विड है। चलो गौर से सुनो अच्छे से प्लीज। आपने अब तक था यहां तक कि भाई इसका वेपर प्रेशर निकालते थे आप। अब देखो सारे लोग गौर से सुनो, दिमाग लगाओ, जब ये पूरा वेपर है, सारे लोग सुनना प्लीज, जब ये वेपर को कंडेंस किए तो बताओ वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए डैश लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पूरा का पूरा वेपर कंडेंस हो गया तो याद रखो वाई इज इक्वल टू एक्स ए डैश। हाँ ये जरूर याद रखो एक्स ए नॉट इज इक्वल टू वाई ए। जब वेपराइजेशन होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता,
वाई ए शुड बी इक्वल टू एक्स ए डैश, पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं। सिमिलरली वाई बी एक्स बी डैश, और हम ग्राफ से भी साबित करेंगे, दोबारा मैं बता रहा हूं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेपोराइजेशन जो मैं पढ़ा चुका हूं, मोल फ्रैक्शन, दोबारा बता देता हूं, ड्यूरिंग वेपोराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंजेस, मतलब एक्स ए नॉट इज इक्वल टू वाई ए, पहला पॉइंट, बट ड्यूरिंग, ये ग्राफ से आगे समझ में आ गया, बट ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम, क्यों, उसका रीजन है पूरा का पूरा वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में हो जाएगा, तो यहां पर एक्स ए डैश इज इक्वल टू वाई ए, एक्स बी डैश इज इक्वल टू वाई बी। चलो पहले ये लाइन लिखो, जब भी वेपराइजेशन होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो चेंज नहीं दिख नहीं रहा, एक्स ए जिक्र एक्स ए और वाई ए अलग अलग होता है, लेकिन जब तुम कंडेंस करोगे, जब पूरे वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में लाओगे, तो वहां पर मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम होगा, वाई ए जिक्र टू एक्स ए डैश, वाई बी जिक्र टू एक्स बी डैश। जल्दी बोलो आया समझ में, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंज, ये याद रखो, और ग्राफ से भी समझाएंगे यार, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन विल चेंज, बट ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम, तो एक्स ए डैश इज इक्वल टू वाई ए। बोलो आया सबको समझ में आकर, तबस्सुम आपको आया, बहुत अच्छे, सबको समझ में आया, वलीद वलीद का आंसर नहीं आ रहा, वलीद को आया, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से, ये मैं मिटा रहा, आप गौर से सुनो, हमें कहा जा रहा है अगर कहता पी एस निकालो तो ये आपके पास आंसर पढ़ चुके हैं, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी, दिस इज द आंसर, लेकिन आपको कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर कंडेंसेशन, तो बहुत आसान है, तो पीएस क्या लिखोगे, पीए नॉट, अब क्या लिखोगे, एक्स ए मत लिखोगे, एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स बी डैश, इसका वेपर प्रेशर कह रहा है कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ। अब तुमको कहेगा एक्स ए डैश कैसे निकालोगे, तो एक्स ए डैश इज इक्वल टू वाई ए, और वाई ए निकालना सीख चुके हो, पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल, बोलो गवाही दो, ये वाई ए निकालना सीख चुके हो ना, हाँ वेरी गुड। उसी तरह एक्स बी डैश इज इक्वल टू वाई बी, पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल, बस लास्ट बस क्वेश्चन क्या है, अब तक पढ़ा एक्स ए, तुम यहाँ एक्स ए डैश लिख दो, एक्स बी डैश लिख दो, एक्स ए कैसे निकालोगे वाई ए से, एक्स बी कैसे निकालोगे वाई बी से, बस यही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर कंडेंसेशन। बजाओ ताली, बजाओ ताली, अरे ताली धमाधम बताओ यार, आया कि नहीं, ताली ताली बजा, देखो मैं ताली मार रहा हूँ, ताली ऐसे बजाओ, बोलो सालिहा शमीम, सालिहा शमीम को आया, चलो एक दफा रिपीट कर देता हूँ, एक दफा रिपीट कर रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर कंडेंसेशन, छोटी छोटी बात याद रखो, पूरा न्यूमेरिकल आसान लगेगा, क्वेश्चन रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर कंडेंसेशन निकालो, तो ये वाला एक्स ए डैश कैसे निकालोगे, तो वाई ए के बराबर। एक्स बी डैश कैसे निकालोगे, वाई बी के बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी करो जल्दी, बेहतर बेहतर, लिख लिया, आगे बढ़े आगे बढ़े। अरे बोलो बाबू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, तुम लोग आजम सर को कहो कि सर केमिस्ट्री की क्लास संडे में लगाइए, एक क्लास संडे में लगाइए। अरे पाका आप किस तरह का पाका, आपको समझ में नहीं आया क्या, अंगूठा ऊपर से दिखाती है, नीचे से दिखा रही है पाका। हाँ पाका, आपको नहीं समझ में आया, ए अल्लाह कैसे दिखा दी भाई, ओ माय गॉड। चलिए आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग क्वेश्चन करके देखाओ। देखो इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 mole of A and 1 mole of B. Calculate the vapor pressure of solution condensate if PA naught is equal to 100 torr and PB naught is equal to 200 torr. चलो तब तक तुम लोग बनाओ, हम तुम्हें ऑप्शन दे देंगे, अब तो बन ही जाएगा, एकदम फॉर्मूला लगाओ खटाखट बन जाएगा। ए ऑप्शन 400 पर, बी ऑप्शन 500 पर, सी ऑप्शन 500/3 पर, डी ऑप्शन 200/3 पर। जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ बच्चों, जल्दी बनाओ। ऑप्शन दे दिया,
एक पूछ रहा है कि रोजा रखते हैं कि नहीं। रे गुंडा, हाँ मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, पूछ रहा दो, अरे रोजा रख रख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। हाँ की ऑप्शन किसी का आंसर बता भाई, जल्दी बताओ। चलो वेरी गुड वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हारा पिछला कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। इस क्वेश्चन से फायदा, पहले जैसे क्वेश्चन पूछा तो पी ए सीजन टू पी ए नॉट एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स बी डैश करेंगे। सारे लोग ध्यान दो, ये हो गया आपको, वेरी गुड। अब हम एक्स ए डैश कैसे निकालेंगे, तो वाई ए, वाई ए इजन टू पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल, एक्स बी डैश इजन टू वाई बी, तो पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल। अब सुनो, एक काम ये करोगे कि पी टोटल निकाल लो क्या, हमारा मशवरा ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो तुम ऐसे करो, ऐसे सुनो, तुम पी टोटल मत निकालो, वाई ए और वाई बी का रेशियो निकाल लो। वाई ए और वाई बी का रेशियो निकालोगे तो पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी। देखो देखते रहना अच्छे से, मेरी मैथ कितनी जबरदस्त है, देखते रहना। पी ए नॉट हंड्रेड एक्स ए हाफ, पी बी नॉट टू हंड्रेड एक्स बी हाफ, तो देखो हाफ ऑफ पेंसिल और ये जीरो जीरो पेंसिल, तो वाई ए बाई वाई बी जो आ गया वो वन बाई टू आ गया। तो गौर से सुनना, मेरी मैथ अच्छी है, तुम वाई ए को लिख सकते हो ना वन वन और टोटल कर दो थ्री, वाई बी टू टू बाई थ्री। इससे ये फायदा होगा कि पी टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो मारो ताली, मैथ समझ में आया कि नहीं। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए, पी ए नॉट कितना है हंड्रेड, एक्स ए डैश कितना हो गया वन बाई थ्री, टू हंड्रेड वन बाई थ्री, तो आपके पास फाइव हंड्रेड बाई थ्री का, बताओ आया है। बोलो सबको समझ, अच्छा हाँ यहाँ पर पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा, हाँ क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, ढाई ढाई बोलो। तो कंडेंसेशन वाला सबको समझ में आ गया कि कंडेंसेशन के बाद कैसे करते हैं। अच्छा, और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं तुम्हें, अगर तुम चाहते हो बनाना तो बना के देखा। बोलो मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, बना लोगे तुम लोग, चलो देखो। सारे लोग ध्यान दो, अच्छा एक टॉपिक और पढ़ लो फिर नुमेरिकल, और ये टॉपिक डेडिकेटेड है मरियम बानो के लिए। टॉपिक डालो, एक थ्योरी पढ़ लो फिर एक नुमेरिकल करा देंगे। रिलेशन बिटवीन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, टॉपिक डालो, ये बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक डेडिकेटेड है मरियम के लिए। याद है जब शुरू में रॉल्स लॉ पढ़ाया था तो बहुत लबर लबर बोलती थी कि रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या फर्क है। चलो सुनो सारे लोग, हाँ याद है, तुम पहले लिखो मैं लिखाता हूं, पहले लिखो इसमें स्टेटमेंट लिखो, लिखो सारे लोग अकॉर्डिंग टू, मैं फिर समझा दूंगा जल्दी लिखो। According to Gauss law, the partial vapor pressure of volatile component is directly proportional
टू एग्ज मोल प्रोडक्शन, दोनों लॉ यही कहता है। हेनरीज लॉ में भी यही था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल प्रोडक्शन। गैस क्या है? वोलेटाइल। रॉस लॉ में भी यही कहा कि जो भी वोलेटाइल होगा अपने अपने मोल प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा। दोनों लॉ यही कहे अकॉर्डिंग टू बोथ लॉ, बट दे आर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज डिफरेंट, लेकिन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डिफरेंट है। एक में के एच है हेनरीज लॉ में और एक में पी एन एफ है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो अब एक लाइन छोड़कर कंक्लूजन, इफ द वैल्यू ऑफ के एच, इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू द पी ए नॉट, देन राउल्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आपसे पूछेगा अंडर विच कंडीशन है राउल्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो यही लाइन लिखोगे, इफ द वैल्यू ऑफ द के इज इक्वल टू पी ए नॉट और पी बी नॉट। बोलो बाबू लोग, समझ में आया? जल्दी बोलो। यहां तक दोनों लॉ एक ही बात कहता है, दोनों लॉ ये कहता है कि भाई दोनों लॉ में पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो अपने अपने मोल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट है। बोलो बाबू लोग, यहां तक सबको समझ में आया? अरे बोलो ना। अच्छा, याद रखना पीए नॉट लिखना। देखो पीए नॉट क्यों? क्योंकि पीबी नॉट जो है वो वोलेटाइल हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि राउल्स लॉ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए। कंक्लूजन ये है इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू पीए नॉट, गलती से पीबी नॉट मत लिख देना, क्योंकि राउल्स लॉ सॉलिड के लिए भी वैलिड है। ये पीए नॉट इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाद छुट्टी, जल्दी लिखो, आगे बढ़े। आप मरियम बानो से मैं पूछना चाहता हूँ, आया समझ में? हेनरीज लॉ रॉस लॉ दोनों एक ही बात कहता है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट डिफरेंट है। अच्छा एक सेंटेंस और, रॉस लॉ बिकम्स स्पेशल, हेनरीज लॉ बिकम्स स्पेशल कभी मत लिखना, रॉस लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। समझ में बात आ रही है कि नहीं? बोलो सब साथ, ताली मारो। मरियम बानो को आ गया समझ में? चलो अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, ऐसे मुझे उम्मीद है। तुम लोग बहुत अच्छे आदमी, क्वेश्चन लिखो। इफ द सॉल्यूशन कंटेन, जल्दी जल्दी लिखो, वन मोल ऑफ ए एंड वन मोल ऑफ बी इज वेपराइज्ड एंड देन कंडेंसेड, दिस कंडेंसेड अगेन वेपराइज्ड, this condensate again vaporize at the same temperature, this condensate again vaporize at the same temperature, then condensate,
रिप्राइज के बाद फिर कंडेंड, यानी दो दफा हो गया, दो दफा हुआ। ये देख लो, दिस सॉल्यूशन कंटेन वन मोल ऑफ दी वेपराइज एंड देन कंडेंसेड, दिस कंडेंसेड अगेन वेपराइज एंड देन कंडेंसेड। वाह वाह, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फाइनल सॉल्यूशन। अगर ए नॉट 100 टॉर है और पी बी नॉट 200 टॉर है, देख लो बाबू, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अब तुम लोग ताली बजा के बनाओ। ए ऑप्शन 1/3, 2/3, बी ऑप्शन 1/4, 1/5, 4/5, सी है 1/5, 4/5, डी है 1/4, 3/4। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये है 4/5, ये है 1/5। कर लोगे? चलो सारे लोग सुनो अच्छे से। ए ऑप्शन आ रहा सबका, चलो कोई बात नहीं सुनो। अच्छा प्लीज आप दो मिनट रुक जाओ। चलो हाँ, बी ऑप्शन इज सही, वजाहत का आंसर सही है, बी ऑप्शन इज सही। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाओगे, चलो कैसे मैं बता रहा हूँ। मरियम दारा पूछ रही है कैसे, ए अल्लाह बता ही तो रहा हूं। ये अजीब है भाई, ये लबर लबर बहुत बोलते हैं। यहां देखिए गौर से सुने अच्छे से, एक्स ए देखो इधर सुनो, एक्स पहले कंटेनर में एक्स ए था, तो देखो वाई ए और वाई बी आया। गौर से सुनो, ये वेपराइजेशन हुआ, वेपराइजेशन, सारे लोग सुनो दो मिनट, और फिर ये कंडेंसेट हुआ, कंडेंसेट, तो एक्स ए डैश और एक्स बी डैश आया। प्लीज सुनो, तो ये हुआ एक दफा वेपर, फिर कंडेंसेशन, फिर कहा गया इसका वेपराइजेशन, तो क्या बना वाई ए डैश वाई बी डैश, फिर इसका कंडेंसेट, तो क्या बनेगा आपको एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश। तो आपको यही कह रहा है एक्स ए डबल डैश फाइनल सॉल्यूशन, एक कंडेंसेशन दूसरा। पहले बताओ ये टेबल समझ में आया कि नहीं, दो कंडेंसेशन है इसमें, पहले बताओ आया। बोलो जल्दी बोलो आया कि नहीं दो कंडेंस। अरे यार हाँ, अब सुनो सारे लोग, यहां पर क्या था पहले में एक्स ए डैश इक्वल टू वाई ए, तो एक्स बी डैश इज इक्वल टू वाई बी, यहां पर क्या होगा एक्स ए डबल डैश इज इक्वल टू वाई ए और एक्स बी डबल डैश वाई बी। पहले बताओ अब ये भी आया कि नहीं सबको समझ में, चलो अब सुनो तुम क्या करोगे वाई ए और वाई बी का रेशियो। प्लीज दो मिनट रुको, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। वाई ए और वाई बी का रेशियो ले लो, तो पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी। सारे लोग दो मिनट शांति से सुनो, ये रेशियो हम लोगों ने ले लिया।
अब बताओ वाई ए और वाई बी को एक्स ए डैश बाई एक्स बी डैश लिख सकते हैं, देखो ऊपर से। तो ये हो गया पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे कुछ तो बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, सितम कंडेंसेशन में अब देखो वाई ए डैश बाई वाई बी डैश इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए डैश डिवाइडेड बाई पी बी नॉट एक्स बी डैश। अब वाई ए बाई वाई बी डैश को हम लिख सकते हैं एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश, पी ए बाई पी बी नॉट को रहने दो। अब देखो इस इक्वेशन को, इससे देखो एक्स ए बाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट बाई पी बी नॉट इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब क्या हो गया, ध्यान देना अच्छे से। आ गया एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश पी ए नॉट बाई पी बी नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। तो पी ए नॉट कितना है, 100 बाई 200 का होल स्क्वायर, एक्स ए हाफ एक्स बी हाफ कैंसिल। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। अब ये उसी को समझ में आएगा जिसका बेसिक क्लियर है, पूरा उसी तरह समझाया गया है। पहले यहां तक लिख लो जल्दी से फटाफट, जल्दी लिखो। ये सब वही है, कोई टफ चीज नहीं है, जो कर रहे हो वही है। जल्दी लिखो यहां तक, उसके बाद मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा। अरे जो है आया सबको समझ में यहां तक? तो आपके पास एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश आ गया 1/4। तो एक्स ए डबल डैश आ गया 1, दोनों को जोड़ दो 5, एक्स बी डबल डैश आ गया 4/5। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द फाइनल। बोलो आया आंसर सबको समझ में? चलो ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा रहा हूं, जिसको रुकना, देखो आप छुट्टी हो गई, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ये क्वेश्चन का बैंक मैं दोबारा समझा रहा हूं, जिसको जाना वो चला जाए, जिसको समझना है वो समझे। छुट्टी हो गई, वाकरुक दबाना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ओके बाय बाय। लेकिन जिसको दोबारा समझना है वो रुक जाए 2 मिनट, बाकी को जाना है जा सकते। मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं, जिसको जाना है वो जाए, जिसको जिन्होंने कहा रिपीट करने के लिए वो सुन लो अच्छे से। पहले सुनो, पहले था एक्स ए और एक्स बी, सुनो डिटेल में अच्छे से। इसको तुम वेपराइज किए तो वाई ए और वाई बी बना, पहले सुनो अच्छे से। और फिर तुम इसको, मैं लिख लिख के इसलिए करता हूं कि समझना है, कंडेंसेड किए तो एक्स ए डैश और एक्स बी डैश आया। बोलो जिन्होंने रिपीट करने को कहा था, यहां तक आया, फर्स्ट कंडेंसेशन हो गया, ओके। तुम इसी में, तुमको मैंने लिखवाया था एक्स ए डैश इज इक्वल टू वाई ए और एक्स बी डैश इज इक्वल टू वाई बी लिखवाया था। अब आओ, अब सारे लोग सुनो, फिर इसको तुम करके वेपराइज किए। तो जब तुम वेपराइज किए तो ये क्या बनेगा, वाई ए। देखो वाई ए अगर मैं लिखूं तो वेपर फेस समझो, और एक्स में लिखूं तो लिक्विड फेस समझो भाई। तो वाई ए डैश वाई बी डैश, फिर तुम इसको कंडेंसेट किए, फिर इसको तुम लिक्विड में किए,
तो एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश आया। चलो बताओ यहाँ तक आया, एक्स ए और एक्स बी क्या है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन, यानी क्या लिक्विड में, बोलो यहाँ तक आ गया, ठीक है ठीक है। अब देखो वाई ए डैश याद है, जब कंडेंसेशन होता है तो मोल फ्रैक्शन सेम रहता है, जैसे देखो ये जैसे सेम है उसी तरह यहाँ पर ये सेम होगा, तो वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए डबल डैश, वाई बी डैश इज इक्वल टू एक्स ए डबल एक्स बी डबल डैश ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन, जैसे ऊपर वाला रिलेशन वही नीचे वाला। अब हम लोगों ने क्या किया, बांध रखे फर्स्ट कंडेंसेशन में क्या किया, अभी बताया था ना वाई ए बाई वाई बी का रेशियो लोगे तो ये वाई ए वाई बी किस पर डिपेंड करेगा, एक्स ए और एक्स बी पर, क्लियर है। वाई ए वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स बी डैश ई ए नॉट एक्स ए ई बी नॉट एक्स बी, बताओ सारे लोग बताओ यहाँ तक क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट कंडेंसेशन में मैंने ये रिलेशन निकाला, जल्दी बोलो जिन्होंने रिपीट करने को कहा था जल्दी बोलो, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो सेकंड कंडेंसेशन में देखो, सेकंड में हाँ ठीक है, सेकंड में देखो वही मोल फ्रैक्शन, ऊपर जैसे देखो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कौन है, तो वाई ए डैश वाई बी डैश इज इक्वल टू पी ए नॉट इन टू, अब इसका क्या लिखोगे, ये इस पे एक्स ए डैश पी बी एक्स बी डैश, जो हम लोग निकालते हैं ना मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, तो पी ए नॉट एक्स ए, तो इसका जो वेपर फेज में निकालोगे तो एक्स ए वन, बस ये समझ गए तो सब समझ गए, बताओ यहां तक आया, हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे अब, अच्छा डबल डैश क्यों नहीं आया, अच्छा ठीक है ओके दिमाग लगाओ एक बार सुनो इसको देखो, अरे यार मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जब निकालते हैं वो अपने लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, वाई ए एक्स ए पर डिपेंड करेगा, ये वाला इससे वेपर बना है ना, ये वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन निकालोगे वो अपने लिक्विड फेज वाले से निकालोगे, ये तो कंडेंसेड के बाद आया है, ये जो वेपर बना है वो इससे बना है, इसलिए एक्स ए और एक्स बी आएगा यहाँ, जैसे देखो यहाँ वाई और वाई बी किस पर डिपेंड किया, एक्स ए और एक्स बी पर, अरे बोलो यार ये जब नहीं समझ में आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये तो पढ़ा चुका है उसी के बेसिस पर ये है, बोलो बोलो जिन्होंने लिखा था, हाँ दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो वेपर बना है ये इससे बना है, तो वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसमें एक्स ए डैश आएगा, यहाँ जो वेपर बना उसके फॉर्मूले में जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो एक्स ए और एक्स बी आएगा, ठीक है बोलो। अब देखो अब बस कुछ नहीं है, अब वाई ए और वाई बी, हाँ अब वाई और वाई बी डैश को क्या लिख सकते हो, एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश, पी ए नॉट पी बी नॉट को रहने दो, एक्स ए और इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दो, देखो एक्स ए और एक्स बी यही बराबर है कि नहीं पूरा, तो पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी, तो वही हो गया पी ए नॉट बाई पी बी नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स ए बाई एक्स बी, अब वैल्यू पुट कर दो, आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई आया कि नहीं आया, अरे जो लोग देख रहे सबको आया, अब सुनो अच्छे से सुनो, जो लोग छोड़ 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 के भागे हैं ना उनका एक नुकसान मैं कर रहा हूं, देखो इतना मत कर देना, अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स लिख देता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स तुम अभी क्या देखे कि एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश तो पी ए नॉट बाई पी बी नॉट का होल स्क्वायर एक्स ए बाई एक्स बी, यही तो लिखे थे, तो डबल का मतलब देखो शॉर्ट ट्रिक, दो कंडेंसेशन तो दो का पावर, थ्री अगर कोई कहता है कंडेंसेशन तो याद रखो एक्स ए
by XB. That. PA0 by PB0 by N times into XA by XB. But this is the tarika. Second condensation hai, two likh do. Is par power nahi hoga, dekh lo. Proof ho kya hai? Do condensation, do. Three hota, yahan par three likh dete. Char condensation hota, char likh dete. Tata 1000 times ho gaya, aapko batao. To tum 1000 likh do. Bolo, ye shortcut aana ki nahi samajh mein. Bolo. Are bolo na. Dekho, do condensation hua, to do ka power. दो कंडेंसेशन दो का पावर, तीन कंडेंसेशन तीन का पावर, चार कंडेंसेशन चार का पावर। अरे बोलना वाह करो, वाह बोलो जल्दी। अरे बोलो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना, तो तुम ये वाला इस्तेमाल करोगे। जैसे अभी आया था तो जल्दी से सेकंड कंडेंसेशन जल्दी से दर्ज कर देंगे, दो पी ए नॉट बाई दो कंडेंसेशन था टू कर देंगे इंटू एक्स बाई एक्स बी। इस पर कोई पावर नहीं आएगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। बोलो आया सबको समझ में? ओके बाय 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 थैंक यू। तो देखो रुकने से